हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाज और वर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम पहचान समझ लेते हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार के वाक्यों में वाज लगता है और किस में वर लगता है। तो देखिए, पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत भूतकाल की घटनाएँ बताई जाती हैं। तो एक बात तो ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, था, थी, थे लास्ट में लगा होगा, और भूतकाल की यानी कि जो समय निकल चुका है उसकी बात की जाएगी। अब हम समझते हैं किसके साथ हम वाज लगाते हैं और किसके साथ वर। तो देखिए, आई ही सी इट तथा एकवचनकर्ता होता है, जैसे किसी का नाम है राम लिखा है, और जैसे लिखा द कैट, द एलिफेंट, इनके साथ वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ये भी है ध्यान रखने वाली कि आई के साथ भी वाज लगता है। आई वैसे बहुवचन में गिना जाता है, लेकिन आई के साथ क्या लगेगा, वाज। आगे वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे लड़के, द बॉयज़, लड़कियाँ, द गर्ल्स, इनके साथ लगेगा वर। वर भी बोलते हैं इसको, वेयर भी बोलते हैं। तो वर का प्रयोग करते हैं इनके साथ, वी, यू, दे। वी करता आ जाए तो वी वर लगाओगे, यू के साथ भी वर, दे के साथ भी, और ही के साथ वाज, सी के साथ भी इट, ठीक है ना। इन सभी के साथ क्या लगता है, वाज। इसके बाद हम देखते हैं वाज वर का प्रयोग के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक, या इन्हीं को स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्रम देखते हैं। सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे सेंटेंस में, जो भी कर्ता होगा उस कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, या तो वाज या वर। उसके बाद जो भी वाक्य में दिया हुआ है पूरा कैन की कॉम्प्लीमेंट, उसकी स्पेलिंग हम लगाएंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, एक व्यापारी बड़ा ईमानदार था। तो देखिए, इस पर कर्ता शुरू में ही लिखा है एक व्यापारी। एक व्यापारी की स्पेलिंग क्या होगी, अ मर्चेंट, अ मर्चेंट के बाद है था। अब देखिए, एक व्यापारी, एक है ना, तो एक वचन करता है, तो स्पेलिंग क्या लगेगी। देखिए यहाँ पर दिया है वाज एवर में से लगाना है, एक वचन करता है तो हम वाज लगाएंगे, अ मर्चेंट वाज। उसके बाद है बड़ा ईमानदार, बड़ा यानी कि वेरी, और ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है ना। अब बड़ा की यहाँ पर बिग नहीं लगाएंगे, बिग मतलब कोई वस्तु जब बड़ी होती है तब वहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर उसकी ईमानदारी की बात हो रही है। इसके बाद कल मैं यहाँ पर दो मात्राएं होंगी, एक बिंदी, बहुत व्यस्त था, सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। ये कल की स्पेलिंग लास्ट में जाएगी, पहले कर्ता ही लगता है, क्रम है ना, पहले कर्ता, तो कर्ता मैं है तो आई, आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज। और उसके बाद बहुत व्यस्त, बहुत यानी कि वेरी, और व्यस्त यानी कि बिजी। उसके बाद ये भी छूट गया है, अभी कल यानी कि यस्टरडे, कल मैं बहुत व्यस्त था यानी कि कौन से कल को, जो कल निकल चुका है, बीते हुए कल की बात जो होती है, तो बीता हुआ कल होता है यस्टरडे, और जो आने वाला कल है वो होता है टुमारो, मीन्स टुमारो। उसके बाद आगे वह बेईमान था, तो वह यानी कि ही, और ही के साथ क्या लगता है, वाज। बेईमान की क्या होती है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट माने बेईमान। अकेला ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, डिस जोड़ देते हैं तो डिसऑनेस्ट का मतलब हो जाता है ईमानदार। इसके बाद आगे देखते हैं, तुम्हारा भाई चालाक था। कर्ता क्या है, तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर। अब तुम्हारा भाई एक वचन करता है, था की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाज। उसके बाद चालाक यानी कि क्लेवर, क्लेवर।
योर ब्रदर वॉज क्लेवर, उसका पति एक ईमानदार ऑफिसर था। कर्ता क्या है, देखिए उसका पति, उसका पति का मतलब है हर हस्बैंड। ठीक है ना, उसका की स्पेलिंग हिज भी होती है लेकिन हिज नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड जो होगा वो मतलब एक गर्ल जो होगी, वूमेन होगी, उसका हस्बैंड होगा, तो उसके लिए तो हर आएगा, हर हस्बैंड। था यानी कि वॉज, एक ईमानदार ऑफिसर, एक यानी कि एन, ईमानदार की होती ऑनेस्ट, ऑफिसर OFFICER, हर हस्बैंड वॉज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। देखिए यहाँ पर एन लगेगा, ध्यान रखिए, तो एन कहाँ पे लगता है, एन आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप समझ लीजिए, एन लगता है जो हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर जब उनका साउंड आता है, हिंदी के स्वर क्या होते हैं, छोटा से लेकर के आप ध्यान रख लीजिए अहा तक, और ए उन शब्दों के आगे आता है जहाँ पर साउंड आता है या उच्चारण हो हिंदी के व्यंजन का, हिंदी के व्यंजन का से लेकर के ज्ञा ज्ञानी तक। यानी कि आपने बचपन में याद किया होगा ए ई आई ओ यू, अगर ये आ जाए तो हम एन लगा देते हैं, ये आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना, वो आप बच्चे थे उस समय आप समझते नहीं थे, इस वजह से आपको ये बता दिया गया था, लेकिन अब आगे की क्लास में ये ध्यान रखना है, हिंदी का कोई भी स्वर आ जाए ना तो आप लगाओगे एन, और हिंदी का व्यंजन आ जाए तो ए लगाओगे। जैसे देखिए ये धरी एक शब्द है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, देखिए या यज्ञ का आ रहा यू, तो इसके साथ हिंदी का व्यंजन है ये या, तो क्या लगेगा आ यूनिवर्सिटी, आ लगेगा, भले ही यू है, यू के साथ तो आप एन लगाते थे, बल्कि ऐसा नहीं है। जैसे देखिए अम्ब्रेला लिखा, अम्ब्रेला UMBRELLA, इसको तो अम्ब्रेला बोलेंगे, अम्ब्रेला, और देखिए आ आ रहा ना हिंदी का स्वर, तो इसमें तो स्वर आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा एन, एन अम्ब्रेला, ध्यान रखना एन अम्ब्रेला, यही यू के साथ ए है और यहाँ पर यू एन लगा हुआ है, तो जी ऐसा क्यों है, क्योंकि इधर यूनिवर्सिटी हिंदी के व्यंजन का उच्चारण दे रहा है, इधर इधर जो यू है वो हिंदी के स्वर का उच्चारण दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, राजू का मित्र मेरा पक्का मित्र था, कर्ता क्या है, राजू का मित्र, यानी कि राजू का की स्पेलिंग क्या होती है, राजू अपोस्ट्रोपीएस, राजूज, और मित्र की फ्रेंड, ठीक है ना, राजूज फ्रेंड, हम इसकी स्पेलिंग ऐसे भी लगा सकते हैं, इस राजूज फ्रेंड की, देखिए इधर समझ लीजिए, राजू अपोस्ट्रोपीएस लगाते हैं जब आप, तो राजू और का के अंग्रेजी अपोस्ट्रोपीएस, मित्र की फ्रेंड, या ऐसे भी बना सकते हैं पहले ऑफ लगा करके, ऑफ लगाएंगे तो मित्र की पहले फिर का की फिर राजू, उल्टा कर देते हैं तो मित्र की द फ्रेंड, और का यानी कि ऑफ, और राजू की राजू, द फ्रेंड ऑफ राजू, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हमने अभी एक लिख दिया राजूज फ्रेंड, था यानी कि वॉज, मेरा पक्का मित्र, मेरा यानी कि माई, पक्का की क्या होती है, फास्ट या इंटीमेट, INTIMATE, याद रख लेना इंटीमेट, और मित्र की फ्रेंड। इसके बाद आगे देखते हैं, उन दिनों भारत के लोग बड़े गरीब थे, करता है भारत के लोग, तो भारत के लोग, अब देखिए इसे हम ऑफ से बनाएंगे, ऑफ इस तरीके से जैसे ये बनाया था, तो ऑफ में क्या करते हैं, पीछे का वर्ड हमने पहले लिया था, फिर ये, तो यहाँ पर भी पीछे का शब्द लेंगे, भारत के लोग यानी कि द पीपल, के यानी कि ऑफ, और भारत यानी कि इंडिया,
इस तरीके से भी बना सकते हैं, इंडिया अपोस्ट्रोपियस पीपल, इंडियास पीपल, भारत के लोग थे, यानी कि अब भारत के लोग बहुत सारे हो गए, तो वर। बड़े गरीब यानी कि वेरी पुअर, वेरी पुअर, उन दिनों यानी कि दोज डेज। बड़े गरीब यानी कि बहुत गरीब। इसके बाद अंडे सड़े हुए थे, अंडे करता है अंडे यानी कि द एग्स, थे यानी कि वर, सड़े हुए रॉटन आर ओ डबल टी ई एन, हम वहाँ अजनबी थे, करता है हम यानि कि वी, वी के साथ क्या लगता है वर, अजनबी, अजनबी यानि कि स्ट्रेंजर, और वहाँ यानि कि देयर, प्लस स्टॉप। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है, मेरे मित्र के पिताजी डॉक्टर थे, देख करता क्या है, मेरे मित्र के और पिताजी, तो के की स्पेलिंग अपोस्ट्रोफियस भी लग जाती है और ऑफ, तो अपोस्ट्रोफियस लगा के जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सीधा सीधा बना देते हैं, मेरे मित्र माई फ्रेंड, के एन के अपोस्ट्रोफी एस, और पिताजी एन की फादर, ऑफ से कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पहले पिताजी की द फादर, के एन के ऑफ, और मेरे मित्र एन की माई फ्रेंड, थे एन की वॉज, डॉक्टर तो अ डॉक्टर, माई फ्रेंड्स फादर वॉज अ डॉक्टर, वह बूढ़ा आदमी बड़े बुरे मिजाज का था, करता क्या है, वह बूढ़ा आदमी पूरा यानी कि दैट ओल्ड मैन, था यानी कि वॉज। इसके बाद क्या है, बड़े बुरे मिजाज का, बड़े यानी कि हाईली, बुरे इल मिजाज, टेम्पर्ड TEMPERED, फुल स्टॉप। यह एक भयानक दृश्य था, करता यह है ना, तो इट था, इट के साथ वाज लगता है। इसके बाद क्या है, एक भयानक दृश्य, आ हॉरिबल दृश्य यानी कि सीन, इट वाज अ हॉरिबल सीन, तुम एक मेधावी छात्र थे, तो इसको आप खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका सही होगा मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टॉपिक टच को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, वे हमारे निकट के संबंधी थे, तो करता क्या है, वे यानी कि दे, दे के साथ क्या लगेगा, वर, हमारे निकट के संबंधी, हमारे यानी कि अवर, निकट के संबंधी यानी कि क्लोज रिलेटिव्स, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, हम उस पहाड़ी की चोटी पर थे, करता है हम यानी कि वी, वी के साथ क्या लगेगा, वर, वी वर। अब देखिए ये आ गया, उस पहाड़ी की और चोटी पर, बीच में की लगा है ना, तो पिछला पोर्शन हम लगाए पहले, ऑन चोटी की द पीक, पर की स्पेलिंग आ गई ऑन द पीक, के एन की ऑफ, की स्पेलिंग का, की के सभी की स्पेलिंग ऑफ होती है, उस पहाड़ी, उसकी दैट, और पहाड़ी की हो जाएगी हिल, लिस्ट ऑफ। सब लोग बारात में नशे में चूर थे, सब्जेक्ट क्या है, सब लोग, सब लोग यानी कि ऑल, थे यानी कि वर, नशे में चूर यानी कि डेड ड्रंक, बारात में यानी कि इन द मैरिज पार्टी,
फुल स्टॉप। खेत सूखे हुए थे और फसलें पकी हुई थी। दो सब्जेक्ट इसमें क्या है, दो वाक्य हैं। एक तो ये है खेत सूखे हुए थे यानी कि द फील्ड्स, थे है तो वर, सूखे हुए यानी कि ड्राई और एंड फसलें दैट क्रॉप्स के साथ लगेगा वर, क्रॉप्स वर, पकी हुई यानी कि ड्राई RIPE फुल स्टॉप। परीक्षक बहुत कठोर था और परीक्षार्थी बहुत घबराए हुए थे। कर्ता इसमें भी दो वाक्य देखिए कि ये है और एक यहाँ से ये है। परीक्षक बहुत कठोर था, परीक्षक यानी द एग्जामिनर था तो लगेगा वॉज, बहुत कठोर इनकी वेरी स्ट्रिक्ट और इनकी एंड परीक्षार्थी यानी कि द एग्जामिनीज EXAMINEES थे यानी कि वर, बहुत घबराए, बहुत यानी कि वेरी और घबराए हुए यानी कि नर्वस फुल स्टॉप। राजपूत बहुत बहादुर होते थे। राजपूत होते थे वर, बहुत बहादुर, बहुत यानी कि वेरी, बहादुर यानी कि ब्रेव फुल स्टॉप। मैं पूरे होश में था, सब्जेक्ट में आई के साथ लगेगा वॉज, पूरे होश में यानी कि इन परफेक्ट सेंस, आई वॉज इन परफेक्ट सेंस फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से वॉज वर्ब का प्रयोग कंप्लीट होता है। ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इसके बाद मिलेंगे आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।